हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर रविचंद्रन, गेस्ट फैकल्टी फिजिक्स डिपार्टमेंट बीएमडी दयालपुर से बोल रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हमें ये टॉपिक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में करना है, जो बीएससी फिजिक्स ऑनर्स फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट के ग्रुप बी मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से लिया गया है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करने से पहले हम लोग ज़रा याद करें, क्लास 11th में हमने किया था एक सीडो फोर्स के बारे में। सीडो फोर्स, सीडो झूठा फोर्स के बारे में, वो कब आया था? जब न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं हो पा रहा था उस फ्रेम में, जो फ्रेम एक्सेलरेटिंग हो, ठीक है, यानी नॉन यूनिफॉर्म एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या था, उसमें हम लोग क्या करते थे, जो भी फ्रेम का एक्सेलरेशन होता था, ठीक उसके अपोजिट एक्सेलरेशन लेकर उस एक्सपीरियंसिंग बॉडी का मास मल्टीप्लाई कर देते थे। इस तरीके से मास ऑफ द एक्सपीरियंसिंग बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, एक्सेलरेटिंग फ्रेम इन अपोजिट डायरेक्शन, ये कहलाता था सीडो फोर्स। ठीक उसी तरीके से फिक्टिशियस फोर्स आता है जब रोटेटिंग फ्रेम जब एक्सेलरेटिंग हो, ठीक है। तो फिक्टिशियस फोर्स सम ऑफ सेंट्रीफ्यूगल प्लस कोरियोलिस फोर्स, जो हमने लास्ट क्लास में किया है, ठीक है। तो फिक्टिशियस फोर्स हम क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली में ये एग्जिस्ट तो करता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये है वहाँ पे जहाँ पे रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो विद एक्सेलरेशन, तो इसीलिए लिखा गया है यहाँ पे। देखिए फिक्टिशियस FICTITIOUS फिक्टिशियस फोर्स, दोज विच डू नॉट रियली एग्जिस्ट, सचमुच में एग्जिस्ट तो नहीं करता है, बट अपीयर टू एक्ट ड्यू टू एक्सेलरेटिंग रोटेशन ऑफ फ्रेम, लेकिन ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे हैं। क्यों, किसकी वजह से, जो एक्सेलरेटिंग रोटेशन ऑफ फ्रेम है, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में CENTRIFUGAL सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो जैसा कि मैंने दिखाया है कि एक एक्सेस ऑफ रोटेशन है और ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है, क्या किया गया, एक स्ट्रिंग से, धागे से एक छोटा सा पार्टिकल या छोटा सा एक, आप मान लो स्टोन है, ढेला है, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं, इस तरीके से आप लेकर चारों तरफ घुमा रहे हैं, ऐसे वर्ल कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, बचपन में किया ही होगा। तो जब हम वर्ल करते हैं तो क्या होता है, इसमें एक टेंशन जनरेट होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एक सेंट्रिपिटल फोर्स लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि एक एक्सेलरेशन लगता है जो हमेशा सेंटर की तरफ उसका डायरेक्शन होता है, और यहाँ पे एक आर रेडियस बताया गया, क्योंकि एक सेंटर है और ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। तो जब आप इस घूमते हुए बॉडी पे जब आप बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि एक फोर्स इस तरफ लग रहा है। तो अगर फोर्स लग रहा है, तो अगर ये बॉडी सेंटर की तरफ नहीं आ रही है इस फोर्स की वजह से, तो इसका मतलब जरूर इस बॉडी पे एक अपोजिट फोर्स भी लग रहा हो, जिसकी वजह से इस पे नेट फोर्स जीरो हो रहा है और ये हमेशा इसी पाथ पे रह रहा है। अब इमेजिन कीजिए कि अगर आपको पता चल गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स है और सिर्फ उसे ही मान ले कि वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इस बॉडी को धीरे धीरे यहाँ पे शिफ्ट होना होगा, लेकिन ये होता तो है नहीं, ये हमेशा ऐसे ही सर्कुलर पाथ पे होता है। तो यानी इस सेंट्रीपिटल फोर्स को कोई ना कोई बैलेंस कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, यही कोई ना कोई जो फोर्स होता है, जिसको मैंने FCC- के रिस्पेक्ट में किया है रिप्रेजेंट, यही इसके बराबर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और इसका कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए मैंने बताया है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वेक्टर फॉर्म में जब लेते हैं फॉर्मूला, तो वो होता है AC = ω वेक्टर, ओमेगा यानी एंगुलर स्पीड, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे क्योंकि वेक्टर है, क्रॉस, फिर ब्रैकेट में ओमेगा वेक्टर फॉर्म में है, क्रॉस आर वेक्टर। आर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस या रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो उसी एक्सेलरेशन में मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। तो FC = mass इंटू ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। अब तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी हमने देखा, तो FC - ठीक इसका माइनस ले लीजिए, क्योंकि किसी वेक्टर का अगर अपोजिट लेना है तो बस माइनस कर दो, तो माइनस लेंगे तो ये जो वैल्यू हो गया, यही हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसका मतलब अब फिक्टिशियस फोर्स क्या हो गया, कोरियोलिस फोर्स प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर हम कोरियोलिस फोर्स का वैल्यू डाल दें तो क्या होता था, -2m ब्रैकेट में ओमेगा क्रॉस v वेक्टर, v वेलोसिटी, और प्लस
फिर इसका माइनस एम ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। तो ये तो हुआ फिक्टिशियस फोर्स जिसमें समेशन ऑफ कोरियोलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल आता है। अब सेंट्रीफ्यूगल का हम एप्लीकेशन देखें तो आप देख सकते हैं कि एग्जांपल मैंने लिया। आप इमेजिन कीजिए कि ये एक अर्थ है यानी धरती, और ये अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। आपको मालूम ही है कि अर्थ क्या होता है, 24 घंटे में अपनी खुद की परिक्रमा करती है जिसकी वजह से दिन और रात होता है, ठीक है। तो ये रोटेट कर रहा है एक ओमेगा से, और मान लीजिए अर्थ के सरफेस पे, इसको अगर सरफेस ले लें जैसे हम खड़े रहते हैं धरती पे, तो ये सरफेस हो गया अर्थ का। वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो हमें ये भी पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक गुरुत्वाकर्षण लगता है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो हमेशा अर्थ के सेंटर पे होता है। तो सेंटर यहाँ पे है, तो ये हमेशा एक डायरेक्शन ऐसे लेंगे, ठीक है। अगर हम इसका इक्वेटर ले लें, अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ कि ये इसका इक्वेटर है, ठीक है, अगर इसका इक्वेटर है तो इस तरह से यहाँ पे एक सेंटर है, तो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एक एंगल बनाता है। यहाँ पे मैंने लैम्डा लिखा है, लैम्डा, ठीक है। तो ये एंगल बना रहा है कौन, ये जो इस ऑब्जेक्ट पे जो सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, ठीक है। तो हमने ये क्लास 11th में ही ग्रेविटेशनल चैप्टर में किया था कि ड्यू टू अर्थ रोटेशन जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है, ठीक है, कम होती जाती है, ओके, जिसके बारे में हमने पढ़ा था पोल और इक्वेटर का केस में। तो एक्चुअली में जी डैश इक्वल टू होता है एक्चुअल जी माइनस ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। जब हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, इतना अभी हमें ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने का, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्सप्रेशन ये आता था। कई बच्चों को ये ज़रूर मालूम होगा कि जी डैश का मतलब अपेरेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या जो दिख रहा है, ये ई डॉट जी का मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया, यानी सेंट्रीफ्यूगल का मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो जी हमारा एक्चुअल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप लोगों को पता ही है, या तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। फिर ओमेगा क्या होता है, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर इसके बाद सॉरी मैं गलत बोल गया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और आर रेडियस ऑफ द अर्थ है, कैपिटल आर से लिखा, जिसका वैल्यू लगभग 6400 किलोमीटर होता है, और ये कॉस स्क्वायर लैम्डा है, ये इसको क्या बोलता है, ये लैम्डा है, ठीक है। तो लैम्डा क्या होता था, एंगल मेड बाय द लाइन, ठीक है, ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद द सर्फेस ऑफ द इक्वेटर, ठीक है, इसको को लैटिट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये लैटिट्यूड एंगल बन गया, ठीक है। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि रोटेशन जब तक होता रहेगा तब तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती रहेगी। तो हमने एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जी को चेंज होते हुए देखा, ठीक है, यानी ये जी डैश हमेशा इस जी से कम होगा अगर ये इक्वेटर के रिस्पेक्ट में कोई एंगल बना रहा है। तो अगर यही चीज़ अगर 90 यानी कि पोल पे आ जाए यहाँ पे, तो कॉस 90 जीरो ये ख़त्म हो जाएगा, तो फिर जी डैश हमेशा जी रहेगा, यानी पोल पे जी जो है कभी चेंज नहीं होता है, पोल और इक्वेटर के बीच में कहीं भी चेंज होता है। तो ये हमने सेंट्रीफ्यूगल का एप्लीकेशन देखा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे कोरियोलिस पे और सेंट्रीफ्यूगल पे, ओके। तब तक आप लोग इसको रिपीट कीजिए, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, और कोरियोलिस फोर्स के बारे में हमने पहले भी चर्चा किया है। तो इस वीडियो को रिवाइज करते रहिए, ठीक है, और घर पे रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।